टू गेट अकेडमी प्लस। अब हम देख रहे हैं है ना, डिस्चार्ज इन अनकन्फाइंड एक्विफर, ठीक है, किस में देख रहे हैं हम, अनकन्फाइंड एक्विफर में, ठीक है। तो देखो उसमें क्या होता था, उसमें जो हमारी फ्री सरफेस रहती थी वो तो अभी हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल बनाई है, लेकिन प्रैक्टिकली ये फ्री सरफेस ऐसी नहीं होती है, थोड़ी सी कर्व्ड होती है, ठीक है। इसलिए हमने वहां भी, अब फ्लो देख रहे थे हम, तो भी हमने ड्यूपिट के दो एजम्पशन लिए थे, यहाँ पे भी ड्यूपिट के दो एजम्पशन लेंगे कि ये जो स्ट्रीम लाइन है ये कर्व नहीं है, कैसी होगी ये, कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन भी आपकी चेंज नहीं होगी, है ना, ये दो एजम्पशन हम यहाँ पे भी लेके चलेंगे। क्या क्या है, फॉर अ स्मॉल इंक्लिनेशन ऑफ फ्री सरफेस द स्ट्रीम लाइन्स कैन बी एज्यूम टू बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मान लिया है। और इक्विपोटेंशियल लाइन कैसी होती है, वर्टिकल, है ना, एफएम में देखा होगा आपने, पढ़ा होगा ये एफएम जियोटेक में। सेकेंड, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द फ्री वाटर सरफेस एंड डज नॉट वेरी विद द डेप्थ। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं सिंपल वर्ड्स में कि आप ये मान के चलो कि ये सरफेस कैसी है, कर्व नहीं है, हॉरिजॉन्टल है बस, ठीक है, क्लियर है। अब देखो पहले पानी मान लो यहाँ पे कहीं पे था इस लेवल पे, है ना, उसके बाद हमने पानी निकालना चालू किया तो यहाँ से ड्रॉ डाउन होना चालू हो जाएगा। तो मान लो यहाँ तक कहीं पे ड्रॉ डाउन हो गया, ठीक है, यहाँ तक कहीं पे ड्रॉ डाउन हो गया, तो ये कुछ ऐसा बन गया हमारा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिप्रेशन, है ना, कोन ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया आपका कोन ऑफ डिप्रेशन, और ये क्या हो गया आपका, ये कहला जाएगा आपका पूरा एस डब्ल्यू, है ना, और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, एच डब्ल्यू, जो रिमेनिंग हाइट बची वाटर की, यहाँ पे हम पूरा थिकनेस कितना ले लेंगे, एच, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, पूरी थिकनेस ले लोगे एच, ठीक है। चलो अब अगर मेरे पास दो ऑब्जर्वेशन वेल भी होते तो यहाँ की रीडिंग आती कुछ क्या आती, यहाँ की आ जाती आपकी S2, है ना, और ये आ जाता S1, ये आ जाता आपका H2, है ना, ये आ जाती आपकी H2, H2, है ना, और यहाँ मान लो यहाँ ड्रॉ डाउन होता कुछ S1, तो यहाँ पे हाइट ऑफ वाटर कितनी होती, H1, ठीक है, ये आ गया आपका। नेक्स्ट और क्या होता है यहाँ पे, हम बोल सकते हैं ये क्या है आपका, रेडियस ऑफ वेल कितना है, ये स्मॉल आर डब्ल्यू, ठीक है, और ये पूरा क्या कहलाता है आपका, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कैपिटल आर, ठीक है, और मेरा जो रेडियल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये कहला जाएगा आर वन, है ना, कहाँ से, मेन वेल से ऑब्जर्वेशन वेल वन तक का आर वन, और ऑब्जर्वेशन वेल टू तक का कहला जाएगा आर टू, ठीक है। तो ये हम ड्यूपिट से ही डिराइव करेंगे इसको, सेम वैसा ही है। अब देखो इसमें रिचार्ज जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो पूरी एच हाइट से हो रहा है ना, इसमें जो ये रिचार्ज होगा है ना, जो पानी भरेगा वो कौन सी हाइट से भरेगा, वो पूरे एच हाइट से भरेगा, ठीक है। चलो इसको डिराइव करते हैं हम, इसके लिए डिस्चार्ज, तो पता है आपको रिचार्ज कैसे होगा, रेडियली होगा रिचार्ज, तो है ना, तो देखो रेडियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी आर बताया था के इंटू क्या होता है, के इंटू डी एच बाय डी आर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका के इंटू डी एच बाय डी आर, रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, तो पूरा एरिया सिलेंडर है, एरिया पूरा एरिया सिलेंडर है तो एरिया लेना पड़ेगा, तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, एरिया क्या है, टू पाई आर एच, है ना, इंटू के डी एच बाई डी आर, ये हो जाएगा, है ना, के आई ए, सेम है, के ये हो गया, आई ए हो गया स्लोप, और ए आपका एरिया हो गया। चलो तो आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, हमको एच और आर अलग अलग करके उसको इंटीग्रेट करेंगे, किसके लिए, अलग अलग रेंज के लिए, एच वन और एच टू के, है ना।
चलो आओ, तो फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, आर डी आर बाई आर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर के एच डी एच, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। और Q भी बचेगा, Q कहाँ पे रहेगा? Q आ जाएगा हमारा यहाँ पे कहीं पे, Q इसको यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है, Q को यहाँ लिख देते हैं, बात वही है, Q को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, R आपका वेरी हो रहा है कहाँ से कहाँ तक? जब R R1 से R2 वेरी हो रहा है, और मेरा H कहाँ से? H से H1 से H2 वेरी हो रहा है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। तो ये डी आर बाई आर इंटीग्रेट हो जाएगा कहाँ से? आर वन से आर टू तक, ठीक है। क्यू आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? टू पाई के आर, ये कैंसल हो जाएगा, के यहाँ लिख देंगे हम एच, एच कहाँ से कहाँ वेरी होगा? एच वन से एच टू, और ये हो जाएगा डी एच, ठीक है, आ गया हमारे पास। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग आर, लॉग आर हो जाएगा ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू लॉग आर टू माइनस आर वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू टू पाई के, ये क्या हो जाएगा? देखो एच है, एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बाई टू, है ना, एच स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये वेरी कहाँ से कर रहा था? H2 से माइनस H1 तक, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये टू कैंसिल कर सकता हूँ मैं, ये और ये वाला टू कैंसिल कर दिया। अब देखो यहाँ से डिस्चार्ज क्या आ जाएगा, और यहाँ लॉग का रूल भी पता है आपको, जब माइनस में हो तो क्या करते हैं? डिवाइड, और प्लस में होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई के एच टू स्क्वायर एच वन स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई क्या करूंगा मैं? डिवाइडेड बाई एल एन आर टू बाय आर वन, ठीक है। ये हो गया हमारा, हमको मिल गया फॉर्मूला पूरा, है ना, ये मिल गया आपको फॉर्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब अगर इसी को हम पूरे रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए करें, पूरे आर इसके लिए करें, तो आर वन क्या बन जाएगा? आर डब्ल्यू। आर टू क्या बन जाएगा? आर। एच वन एच टू क्या बन जाएगा? एच। और एच वन क्या बन जाएगा? एच डब्ल्यू, ठीक है। चलते हैं, अगर करते हैं हम पूरे रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए, तो आर वन हो जाएगा, R1 हो जाएगा कैपिटल R के बराबर, सॉरी RW के बराबर, ठीक है, R1 हो जाएगा रेडियस ऑफ वेल के बराबर, R2 हो जाएगा रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस के बराबर, ठीक है। हमारा H2 किसके बराबर हो जाएगा? H2 हो जाएगा कैपिटल H, और H1 हो जाएगा आपका HW के बराबर, ठीक है। तो तब डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? तब डिस्चार्ज की इक्वेशन हो जाएगी पाई के एच स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल एन आर बाई आर डब्ल्यू, ठीक है। ये भी बन गया एक हमारा इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम एक कुछ अप्रोक्सीमेट इक्वेशन, ठीक है। जब ये डाटा गिवन ना हो आपको, जब ये सब डाटा पूरा डाटा गिवन ना हो जो हमारे इक्वेशन में है, ये डाटा अगर गिवन नहीं होगा तो आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो अभी हम देख रहे हैं अप्रोक्सीमेट इक्वेशन में। चलिए, कभी अगर आपको ये डाटा गिवन नहीं हुआ तो आप कैसे निकालोगे अप्रोक्सीमेट इक्वेशन से, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इक्वेशन सिंपल है ये, थोड़ा सा हमने इसमें एजम्पशन लेके रखे हैं, ठीक है, एजम्पशन लेके चले हैं हम, इसलिए ये थोड़ा सा अलग बन गई है इक्वेशन, ठीक है। चलो तो ये क्या होता है, आपको पता है, देखो एस डब्ल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, एस डब्ल्यू मतलब ड्रॉ डाउन, है ना, यहाँ पे ड्रॉ डाउन, एस डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ देखो, ये जो एस डब्ल्यू है, ये जो आपका एस डब्ल्यू है,
अब तो इसको बिगाड़ सकते हैं फिगर को हम। ये जो एस डब्ल्यू है ये किसके बराबर है, ये एच माइनस ये एच डब्ल्यू, इसके बराबर ही होगा एस डब्ल्यू, है ना। ड्रॉ डाउन हमारा मेन वेल में किसके बराबर होगा, टोटल हाइट ऑफ द एक्विफर एच माइनस जो वेल में जो हाइट ऑफ वाटर है एच डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एच प्लस एच डब्ल्यू मल्टीप्लाई एच माइनस एच डब्ल्यू लिख सकता हूँ मैं, है ना। और हमने ये अप्रोक्सीमेट किया है कि ये जो पूरा है वो किसके बराबर है, वो है टू एच एस डब्ल्यू के बराबर। ये हमने अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है तो हमने ऑब्वियसली ये बस अप्रोक्सीमेट ही किया है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का साइन भी लगाया है कि ये तब यूज करना है जब हमारे पास बाकी डाटा ना हो, है ना। तो देखो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन बन जाएगी देखो क्यू पाई के, ठीक है। इस पूरे की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, एच स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू की जगह मैं रख सकता हूँ टू एच एस डब्ल्यू, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे वही रहेगा आपका एल एन आर बाई आर डब्ल्यू। अब आपको पता है ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में पता है कि टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, के एच या के बी। इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरा एक्विफर की हाइट क्या है, एच है ना। जब कन्फाइंड होता था तो हम बी विड्थ लेते थे जितना कन्फाइंड का विड्थ है, यहां तो पूरा एच क्या है, एक्विफर है, क्योंकि ये अनकन्फाइंड का केस है, ठीक है। तो मैं यहां अगर इसको ट्रांसमिसिबिलिटी के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसा लिख सकता हूं, टू पाई टी के एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टी एस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एल एन आर बाई आर डब्ल्यू, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं मिला, ठीक है, अगर ये भी नहीं गिवन है और मेरे पास दो ऑब्जर्वेशन वेल है, ठीक है, मेरे पास दो ऑब्जर्वेशन वेल हैं एस वन और एस टू, है ना, जिनका डिस्टेंस आर वन और आर टू है, तब क्या हो जाएगा। अगर आपको ये सब नहीं दिया और ये दो ऑब्जर्वेशन वेल का डाटा दे दिया तब कैसे निकालोगे आप, तो तब सिंपल है, मेरा ये जो एस डब्ल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो हम ले लेंगे आपका एस टू, है ना। और ये जो कैपिटल है जो हम ले रहे थे अलग अलग, जो कैपिटल एच ले रहे थे उसकी जगह हम लेंगे एस वन, सॉरी, है ना, कैपिटल एच की जगह लेंगे एस वन, स्मॉल एच की जगह ले लेंगे हम एस टू, ठीक है, कैपिटल आर की जगह ले लेंगे हम आर टू, और ये स्मॉल आर है ना जो रेडियस ऑफ वेल है उसकी जगह ले लेंगे हम आर वन, ठीक है। तो इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, यही वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो तो यही क्या बन जाएगी, ये कुछ ऐसी बन जाएगी, Q इज इक्वल्स टू पाई के, है ना, पाई के, या फिर आप इसको डायरेक्ट लिख दो क्योंकि K और H भी आएगा उसमें, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, ये आ जाएगा आपके पास T, है ना, टू भी था हमारे पास, है ना। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, आपको पता चला ना किसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, हम H की जगह S1 और ये HW की जगह S2, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल S1 किसके बराबर होता है, कैपिटल H माइनस H1, और S2 किसके बराबर होता है, कैपिटल H माइनस H2, ठीक है, ये होता है। और H इससे कॉमन आ जाएगा एक तो बाहर, तो देखो हम KH लिख सकते हैं T, KH की जगह क्या लिख सकते हो आप T, है ना। और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, इक्वेशन हो गया आपका पाई टी एस वन माइनस एस टू डिवाइडेड बाई एल एन आर टू बाई आर वन, ठीक है। ये भी आपकी एक इक्वेशन बन सकती है, काहे के लिए, अनकन्फाइंड एक्विफर के लिए, ठीक है। टी आ गया, ये क्या है, के एच भी लिख सकते हो इसकी जगह, है ना, टी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, के कैपिटल एच भी लिख सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर है आपको, अनकन्फाइंड एक्विफर, डिफरेंस बस यही था कि वहां पे हमारा टू छूट गया ना, टू लिख लेते हैं यहां पे, यहां आ जाएगा आपका टू, ये आ जाएगा टू पाई, ठीक है। चलो क्लियर है, इसको ठीक कर लेंगे।
ये होगा 2 पाई टी एस वन माइनस एस टू ln आर टू बाई आर वन। ठीक है, क्लियर है। बस डिफरेंस क्या था कि वहां पे थिकनेस ऑफ द एक्विफर लिमिटेड थी बी, है ना, यहां पे पूरी थिकनेस ले लिया हमने, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से, है ना। अ 30 सेंटीमीटर वेल कंप्लीटली पेनिट्रेट्स एन अनकन्फाइंड एक्विफर ऑफ सेचुरेटेड डेप्थ 40 मीटर। ठीक है, तो देखो डाया कितना दिया है, डाया है 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया, सेचुरेशन डेप्थ मतलब कैपिटल एच गिवन है कितना है 40 मीटर। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ पंपिंग एट अ स्टडी रेट ऑफ 500 LPS, ठीक है, कितना दिया है डिस्चार्ज, 500 लीटर पर मिनट। ठीक है, चलो तो इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा मीटर क्यूब में, ठीक है, ये शायद 1500 कर लो इसको। ठीक है, चलो 1500 कर लेते हैं इसको। ठीक है, 500 बहुत कम लग रहा है, 1500 कर लेते हैं, चलो। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब अगर इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम निकाल लेते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, वैसे ही अगर आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हो अगर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 60, ये हो जाएगा 0.025 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आप चाहो तो मीटर क्यूब पर डे में भी कर सकते हो, है ना, किसी भी यूनिट में निकाल कर सकते हो। चलो, द ड्रॉ डाउन इन द टू ऑब्जर्वेशन वेल, है ना, ये हो गए आपके डिस्टेंस, तो आर वन कितना है, आर वन है 25 मीटर और आर टू है 75 मीटर। ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन वेल है, उनका डिस्टेंस दिया हुआ है, फ्रॉम द पंपिंग वेयर वर फाउंड टू बी, और उनका ड्रॉ डाउन भी दिया है। एस वन है मेरे पास कितना, एस वन है 3.5 मीटर, ठीक है, और एस टू है 2 मीटर। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा गिवन डाटा, इसके अलावा कुछ और है नहीं, क्या निकालना है, द ट्रांसमिसिविटी ऑफ द एक्विफायर ये निकालना है हमको, और ड्रॉ डाउन इन द पंपिंग वेल, दोनों निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसमिसिविटी के लिए क्या चाहिए हमको, ट्रांसमिसिविटी के लिए हमको क्या चाहिए, परमियाबिलिटी चाहिए, है ना, और उसका फॉर्मूला क्या है, देखो क्यू इज इक्वल्स टू, अब मैं ना किसी में भी वेरी करा सकता हूँ। ठीक है, जैसे दो ऑब्जर्वेशन वेल है मेरे पास, तो इनका एच वन और एच टू भी निकाल सकता हूँ मैं, है ना। एच वन क्या हो जाएगा बताओ, देखो एच वन, स्मॉल एच वन क्या होता है, कैपिटल एच माइनस एस वन, तो कैपिटल एच कितना 40 है और एस वन कितना है, एस वन है 3.5, तो एच वन कितना हो जाएगा 36.5 मीटर। ठीक है, और एच टू क्या हो जाएगा, एच माइनस एस टू, ये 40 माइनस 2 कितना हो जाएगा 38 मीटर। ठीक है, तो ये तो हमको मिल गया H1 H2। अब फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, फॉर्मूला हमने निकाला था Q इज इक्वल्स टू पाई के H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, यही निकाला था हमने, है ना, डिवाइडेड बाई एल एन आर टू बाई आर वन। ठीक है, यहाँ से मैं डिस्चार्ज निकाल सकता हूँ। अब वैल्यू रख दो आप डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी आई है हमारे, अब आपको परमियाबिलिटी किस में चाहिए, चलो डे में चाहिए, तो हम इसको डे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, और अगर आपको मिनट सेकेंड में चाहिए तो वो भी कन्वर्ट है, वो तो कन्वर्टेड है ही, है ना, तो इसको ले लेते हैं 0.025, है ना, इज इक्वल्स टू पाई के एच टू कितना आया मेरे पास 38 माइनस 36.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल एन, आर टू कितना है मेरे पास, आर टू है हमारे पास 75 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो के की वैल्यू क्या आती है, के की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेते हैं हम, ये आ जाएगा देखो 0.025 इंटू लैन 35 इंटू 25 एल एन, है ना, डिवाइडेड बाय पाई इंटू
38 का स्क्वायर माइनस 36.5 का स्क्वायर, तो ये निकल के आ रहा है 7.823 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको डे में कन्वर्ट कर लो, तो डे में ये हो जाएगा 24 इंटू 60 इंटू 60, डे में हो जाएगा ये के हो जाएगा डे में 6.759285 आ रहा है। ठीक है, तो चलो इतना ही 3 ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गया मीटर पर डे। ठीक है, अब अगर मुझे ट्रांसमिसिबिलिटी निकालनी है टी, तो ये क्या होता है, ये होता है के एच, एच कितना 40 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 से, तो ये निकल के आ जाएगा 270.371 मीटर पर डे। ठीक है, आ गया हमारे पास ट्रांसमिसिबिलिटी। सेकंड क्या पूछा है आपको, सेकंड बोल रहा है ड्रॉ डाउन इन द पंपिंग वेल। क्या पूछ रहा है, ड्रॉ डाउन इन द पंपिंग वेल, तो ये भी निकाल लेते हैं हम, सिंपल है। अब देखो, आप ना डिस्चार्ज अगर निकालना चाहो तो आप अलग अलग वैल्यू भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जब जैसे हमारे पास देखो यहाँ आर डब्ल्यू है, कैपिटल एच है, एच डब्ल्यू नहीं है, है ना, एच डब्ल्यू निकालना पड़ेगा ड्रॉ डाउन के लिए, लेकिन आर भी नहीं है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, नहीं तो हम कैपिटल एच और स्मॉल एच डब्ल्यू यूज कर लेते। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो पाई के एच वन का स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू का स्क्वायर। आप चाहो तो इनके बीच में भी वेरी कर सकते हो, और इनका क्या हो जाएगा, देखो आर वन अपॉन आर डब्ल्यू। ठीक है, यहां से मैं एच डब्ल्यू निकाल लूंगा, और फिर उससे मैं क्या निकाल सकता हूं, उससे हम निकाल सकते हैं ड्रॉ डाउन। ठीक है, सिंपल कैपिटल एच से माइनस किया तो एच डब्ल्यू आ जाता है ना, है ना, कैपिटल एच माइनस एच डब्ल्यू। डायग्राम देखेंगे जो मैंने बनवाया है, उसमें देखेंगे एच माइनस एच डब्ल्यू क्या होगा, एच डब्ल्यू हो जाएगा। चलो तो यहां से निकाल लेते हैं हम एच डब्ल्यू, तो एच डब्ल्यू कितना आ रहा है देख लेते हैं, तो डिस्चार्ज कितना है मेरे पास, अभी तो हम इसी में मीटर में इसी में लेके चलते हैं। चलो के भी है ना हमारे पास मीटर पर सेकंड में, तो ये आ गया आपका 0.025 इज इक्वल्स टू पाई के, कितना है, के है मेरे पास 7.863 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। एच वन कितना है मेरे पास, एच वन है 36.5 का स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा एल एन। आर वन कितना है, आर वन है 25, और आर डब्ल्यू कितना है 0.15। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप और एच डब्ल्यू निकल के आएगा कितना आ रहा है, देखो एच डब्ल्यू निकल के आएगा 0.025 इंटू एल एन 25 डिवाइडेड बाय 0.15, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा पाई इंटू 7.863 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। ठीक है, अभी यही लेके चल रहे हैं, तो ये निकल के आ रही है वैल्यू, कितनी आ रही है मेरी वैल्यू आ रही है 517 से फिर हम क्या करेंगे, इसको वहां ले जाएंगे और हम माइनस कर देंगे 36.5 का स्क्वायर माइनस आंसर, तो ये निकल के आएगा आपके पास एच डब्ल्यू कितना आ रहा है मेरे पास देख लेता हूं मैं, एच डब्ल्यू निकल के आ रहा है मेरे पास 28.539। ठीक है, कितना आ रहा है 28.539। ठीक है, तो मुझे अगर एच डब्ल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 40 माइनस एच डब्ल्यू, या आप बोल सकते हो कैपिटल एच माइनस एच डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 28.539, तो ये निकल के आएगा 11 कुछ आएगा, ये निकल के आएगा 11.46 मीटर। ठीक है, कितना आ रहा है 11.4608। ठीक है, तो 46 ले लेते हैं हम, तो दोनों आंसर आ चुके हैं हमारे, ट्रांसमिसिबिलिटी भी आ गया है और ड्रॉ डाउन भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप चाहो तो जैसे क्वेश्चन की नीड हो वैसे आप फॉर्मूला भी
चेंज कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मूला का वही होगा, है ना। मैंने बताया बेस सेम रहेगा, बस उस पर बिल्डिंग जो बना ला है, ठीक है। तो बेस वही है, बस हमने क्या किया, बिल्डिंग की डिजाइन थोड़ी सी चेंज कर दी, फॉर्मूले की डिजाइन थोड़ी सी चेंज कर दी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 45 सेंटीमीटर वेल इन एन अनकन्फाइंड एक्वीफर ऑफ सैचुरेटेड थिकनेस ऑफ 45 मीटर यील्ड 600 LPM, ठीक है, मतलब लीटर पर मिनट, अंडर अ ड्रॉडाउन ऑफ 3 मीटर एट पंपिंग वेल, ठीक है। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है, पहले हम डाटा लिख लेते हैं ना, गिवन डाटा क्या क्या गिवन है मुझे, मुझे सबसे पहले गिवन है डाया ऑफ द वेल, डाया ऑफ द वेल गिवन है कितना है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द वेल क्या हो जाएगा, आर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, उसका आधा है ना, डाया है तो 45 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। अब देख रहे हो आप बाकी सब किस में है, मीटर में है, है ना, आगे भी सब मीटर में है, तो हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो ये मीटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.225 मीटर, 100 से डिवाइड कर दूंगा मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट डाटा देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सैचुरेटेड थिकनेस ऑफ, थिकनेस दी हुई है आपको एक्वीफर की, है ना, कितनी दी है थिकनेस दी हुई है मुझे 45 मीटर, कितनी दी हुई है 45 मीटर, ठीक है, अंडर अ ड्रॉडाउन ऑफ, है ना, या तो आप इसको ले लेते हैं हम कैपिटल एच, बात वही है ना, थिकनेस कैपिटल एच, क्योंकि अनकन्फाइंड के केस में हमने क्या लिया था, उसको कैपिटल एच लिया था। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ड्रॉडाउन कितना दिया हुआ है, देखो 3 सेंटीमीटर, मतलब एस डब्ल्यू कितना है 3 मीटर, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मुझे स्मॉल एच डब्ल्यू, है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ड्रॉडाउन इन द मेन वेल, है ना, ये क्या हो गया, ड्रॉडाउन इन द मेन वेल। तो अगर मुझे वाटर, है ना, डेप्थ ऑफ वाटर निकालना है इन द मेन वेल, तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल थिकनेस, टोटल जो हाइट है, उससे इस ड्रॉडाउन को माइनस कर दूंगा, तो पता चल जाएगा कितना पानी है मेरे मेन वेल में, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लगाएंगे स्मॉल एच डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल एच माइनस एच डब्ल्यू, है ना, फिगर देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा एकदम, फिगर देखेंगे जो अभी हमने मैंने समझाया था, ठीक है। तो यहाँ देखो एच डब्ल्यू कितना आ जाएगा, एच डब्ल्यू आएगा देखो 45 माइनस 3 कितना आ रहा है 42 मीटर, ठीक है, एच डब्ल्यू आ गया कितना 42 मीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कितना आ जाएगा, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट अब क्या निकालना है आपको फॉर्मूला, चलो डिस्चार्ज भी लिख लेते हैं हम डाटा में, तो डिस्चार्ज कितना है, Q इज इक्वल्स टू कितना है 600 LPM, ठीक है, 600 LPM लीटर पर मिनट। अब बाकी सब मीटर में है, तो ये भी मीटर में रखना पड़ेगा हमको, है ना, चलो तो इसको मीटर में रख लेते हैं। तो अगर मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, सिंपल था, है ना। चलो निकाल भी लेते हैं, अगर आप इसको निकालना चाहोगे, है ना, तो इसको कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो कैलकुलेटर से ये आएगा आपके पास, देख लेता हूँ, 600 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ रहा है 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, आ गया हमारे पास। अब हमको क्या, देखो क्या निकालना है, सबसे पहले वॉट विल बी द डिस्चार्ज अंडर अ ड्रॉडाउन ऑफ 6 मीटर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको वैसे भी तो निकाल सकते हैं हम, कि 3 मीटर में कितना है डिस्चार्ज, 600, है ना,
और ड्रॉ डाउन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम 600 डबल हो जाएगा ये, तो 1200 आना चाहिए, है ना। वैसा तब करेंगे जब डेटा नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे डाटा गिवन है, तो हम डाटा का यूज करते हुए पहले क्या निकाल लेंगे, के, है ना। फॉर्मूला क्या था, क्यू इज इक्वल्स टू पाई के, है ना, एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच डब्ल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल एन आर कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर भी गिवन है आपको, अपॉन स्मॉल आर डब्ल्यू, ठीक है। कैपिटल आर कितना गिवन है, देखो यहाँ दिया हुआ है कैपिटल आर, एज्यूम रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कितना दिया हुआ है, 500 मीटर, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे हम कहीं पे कि कैपिटल आर कितना है, 500 मीटर, ठीक है। कैपिटल आर कितना है, 500 मीटर। चलिए तो अब इसमें वैल्यू रखते हैं हम, है ना। तो क्यू की जगह क्या रखूंगा मैं, क्यू की जगह मैं रखूंगा 0.01 इज इक्वल्स टू पाई, के की वैल्यू दी नहीं है तो के हम निकालेंगे पहले, ठीक है। एच क्या है, कैपिटल एच, हाइट ऑफ वाटर कितना है, टोटल थिकनेस 45 मीटर, ठीक है, और माइनस हाइट ऑफ वाटर इन द वेल कितना है, 42 मीटर, निकाल चुके हैं हम, है ना। तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल एन, आर डब्ल्यू कितना है, 500 है, है ना, और सॉरी आर 500 है और आर डब्ल्यू कितना है, 0. ये हमने लिखा था 0.225, ठीक है, 0.225। तो अब यहां से देखो के की वैल्यू क्या निकल के आती है, तो ये आ जाएगी, देखो कैसे निकालूंगा मैं के, मैं करूंगा 0.01 इंटू एल एन 500 डिवाइडेड बाय 0.225, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई इंटू 45 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है, देखो मेरे पास ये k की वैल्यू आ रही है 9.398, है ना, 9.398, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, है ना, 9.4 ही ले लेते हैं हम, ठीक है, डायरेक्ट 398 की जगह 4 ले लेते हैं, इंटू 10^-5। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट देखो क्या है, यहाँ पे क्यू का यूनिट दिया हुआ है आपको, कितने दिया हुआ है, मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है, और कहीं पे कुछ दिया हुआ है, कहीं डे है क्या हमारे पास, डे तो कहीं नहीं है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैसे हुआ, देखो मीटर क्यूब था, ये मीटर क्यूब डिवाइड हुआ स्क्वायर से, तो क्या बच गया, सिर्फ मीटर पर सेकंड, ठीक है, के की वैल्यू आ गई। अब अगर हम चाहें तो पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं हम कि व्हाट विल बी द डिस्चार्ज अंडर अ ड्रॉडाउन ऑफ 6 मीटर, ठीक है, पहले निकाल लेते हैं हम पहला वाला केस कि ड्रॉडाउन जब 6 मीटर होगा तो हमारा डिस्चार्ज कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट हमको वही डाया बस चेंज हो जाएगा, डाया कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, तब हमारा ड्रॉडाउन कितना होगा ये निकालना है, ठीक है, 3 मीटर पे, ये भी निकाल लेंगे हम, चलो निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट चीज हमारी, पहला वाला क्या गिवन है, फर्स्ट गिवन है आपको कि अब ड्रॉडाउन हो गया है 6 मीटर, ठीक है, मतलब एस डब्ल्यू कितना हो गया है 6 मीटर, तो कैपिटल, तो स्मॉल एच डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस एच डब्ल्यू, मतलब 45 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 39 मीटर, ठीक है, एच डब्ल्यू कितना हो गया 39 मीटर। अब डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला तो सेम है, वही है, क्या है, क्यू इज इक्वल्स टू पाई के कैपिटल एच का स्क्वायर माइनस स्मॉल एच डब्ल्यू का स्क्वायर अपॉन एल एन आर अपॉन आर डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो इसका डाया दिया हुआ है क्या, इसका डाया नहीं दिया है ना, डाया दिया है क्या, डाया नहीं दिया, डाया हमको यही वाला लेके चलना है, ठीक है, डाया अभी हम यही वाला लेके चलेंगे, चलो। तो ये हो गया पाई, के कितना है, के है मेरे पास 9.4 इंटू 10^-5, है ना, मल्टीप्लाई
कैपिटल एच कितना है, 45 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, एल एन 500 डिवाइडेड बाय 0.225, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और डिस्चार्ज निकालेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है। ये आएगा आपके पास, एक मिनट, 45 माइनस 39 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल एन 500 0.225, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है 0.0, कितना आ रहा है क्यू आ रहा है 0.019, क्यू लिख लेते हैं हम, क्यू 0.019 3136 कुछ आ रहा है ना, ये किस में आएगा, ये आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। अब हम इसको निकाल लेते हैं मान लो एलपीएम में, है ना, तो ये आ जाएगा एलपीएम में ये आ जाएगा आपके पास अप्रॉक्स 1159 एलपीएम, ठीक है, आ गया 1158 कुछ आ रहा है 81, तो मैं इसको ले लेता हूँ 9, ठीक है, 1159 है ना, 1159 एलपीएम है ना, ये ज़्यादा ना लगे आपको, 1159 एलपीएम है ना, ठीक है, 11500 नहीं है ये, ठीक है, ये कितना है 1159 है ना, 1159 लीटर पर मिनट, याद रखना है ना, कंफ्यूज मत होना, वन मत समझना उसको, एल है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपको, सेकंड पार्ट बोल रहा है मुझे क्या निकालना है, व्हाट विल बी द डिस्चार्ज इन 30 सेंटीमीटर वेल, है ना, इन 30 सेंटीमीटर वेल अंडर अ ड्रॉडाउन ऑफ 3 मीटर, ठीक है, अंडर अ ड्रॉडाउन ऑफ 3 मीटर। चलो तो अब हम इसको वैसे भी निकाल सकते हैं सिंपली, ठीक है, देखो 3 मीटर के ड्रॉडाउन में ये दिया हुआ है आपको, जब वेल का डाया कितना था 0.225 था, ठीक है, ये गिवन था, हमने यहीं से भी, यहाँ से ही हमने कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी भी निकाला है, तो अगर इससे भी जाओगे तो भी सेम ही आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं हम, देखो Q2, अगर Q2 ले लेते हैं न्यू डिस्चार्ज, है ना, Q2 अपॉन Q1, है ना, पहले देख लेते हैं कि Q से इसका रिलेशन कैसा है, तो Q से इसका रिलेशन कैसा है, 1 बाय ln, है ना, R बाय RW, ऐसा कुछ है रिलेशन, तो 1 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, ऐसा है रिलेशन, है ना। तो अगर मैं इसको Q2 बाय Q1 लिखूँगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका ln R अपॉन RW1, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 वाला यहाँ चला जाएगा, 2 वाला यहाँ आएगा, तो यहाँ आ जाएगा ln R अपॉन RW2, ठीक है, और 2 क्या है, 2 नया वाला है और 1 पुराना वाला, ठीक है। तो 1 देखो गिवन था हमको, देख लेते हैं यहाँ पे, तो 1 कितना था, 600 LPM था, तो यहाँ लिख देते हैं 600, यहाँ आ जाएगा ln 500 डिवाइडेड बाय RW1 कितना है, RW1 था 45, है ना, 0.225, डाया था उसका 45 सेंटीमीटर, है ना, और ln यहाँ आ जाएगा 500 0.15, अब कितना हो गया डाया, 30 सेंटीमीटर हो गया। तो अब ये Q2 निकालना है, तो Q2 देखो कितना आएगा, Q2 आएगा मेरे पास, Q2 ऑब्वियसली पहले वाली वैल्यू से कम आएगा क्योंकि डाया क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 600 into ln 500 डिवाइडेड बाय 0.225 डिवाइडेड बाय ln 500 डिवाइडेड बाय 0.15, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है 570 LPM, ठीक है। आगे आंसर आपका कितना, 570 लीटर पर मिनट, ठीक है, ये आ गया आंसर मेरा, क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल था। पहले हमने कोफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी निकाला, फिर उसके बाद पहला पार्ट सॉल्व किया, उसके बाद दूसरा पार्ट सॉल्व किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, क्या बोल रहा है, फॉर कंडक्टिंग टेस्ट ऑन
30 सेंटीमीटर डाया वेल इन एन अनकन्फाइंड एक्विफर, टू ऑब्जर्वेशन वेल ए एंड बी आर बोर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर एंड 40 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पंपिंग वेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते जाते हैं गिवन डाटा साथ ही साथ। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, वेल का डाया कितना दिया हुआ है, आर डब्ल्यू दिया हुआ है हमको 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको आर वन भी दिया हुआ है, आर टू भी दिया हुआ है, ये दिया है 25 मीटर है ना, और ये दिया है आपको 40 मीटर, ये दिया है 40 मीटर, ये दिया है 25 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या डाटा दिया हुआ है आपको। When the water is pumped at a rate of 10 liter per second, discharge भी दिया है, the water depth in the pumping well is 10 meter, ठीक है, कितना है pumping well में 10 meter, ठीक है। Next देखते हैं horizontal impervious, ठीक है 10 meter है, water depth in the pumping well is 10 meter above the horizontal impervious layer up to which the well is driven, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है H भी दिया हुआ है कैपिटल H, द मीडियन ग्रेन साइज ये कैपिटल H नहीं है आपका, क्या है देखो, द वाटर डेप्थ इन द पंपिंग वेल है, ठीक है, तो ये मेरा क्या है HW है, ये याद रखना क्या है, ये HW है, कितना है 10 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ड्रिवन द मीडियम ग्रेन साइज, ठीक है, ऑफ द एक्विफर। अब हमको ग्रेन साइज, सॉइल का पार्टिकल, जो उसमें सॉइल है उसके पार्टिकल का ग्रेन साइज डी डाया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिया है 2.5 mm, ठीक है, कितना है 2.5 mm, तो मीटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0025 meter। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंड द परमिएबिलिटी इज नोन टू बी, परमिएबिलिटी भी दी हुई है, कितनी दी है 0.1 cm/s, ठीक है, तो k की वैल्यू भी गिवन है आपको, कितनी है 0.1 cm/s, ठीक है, और हमको डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया है देखो 10 liter/s, ठीक है 10 liter/s, तो इसको अगर मैं मीटर क्यूब में पहले इसको कर लेते हैं, तो मीटर क्यूब में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.001, है ना 0.001 meter/s, और डिस्चार्ज हमको जो 10 liter/s दिया हुआ है उसको अगर हम मीटर क्यूब में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.001, है ना, नहीं 10 divided by 1000 है, 100 भी नहीं है, 1000 है, तो ये 10 आएगा, ठीक है, चलो हाँ ये हो जाएगा 0.01 m³/s, ठीक है, चलो तो हमको गिवन डाटा तो हमने सारा लिख लिया है ना, गिवन डाटा हमने सारा लिख लिया है, अब क्या बचा है हमारे पास, अब हम देखते हैं कि हमको निकालना क्या क्या है। ठीक है, तो देखो क्या निकालना है, द डेप्थ ऑफ वाटर अबव द इम्परवियस लेयर इन द ऑब्जर्वेशन वेल ए एंड बी, क्या निकालना है H1 और H2, R1 और R2 हैं आपके पास, H1 और H2 निकालना है। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर अबव द, क्योंकि हमने जो दो ऑब्जर्वेशन वेल डायग्राम निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन वेल में वाटर की हाइट कौन बताता था, H1 और H2, है ना, तो यहाँ पे हमको HA और HB निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हमको क्या निकालना है नेक्स्ट, द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लो एट द पंपिंग वेल एंड ऑब्जर्वेशन वेल्स ए एंड बी, उनका रेनॉल्ड्स नंबर भी निकालना है। ठीक है, चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं, आगे अब देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं क्या ये वाला चीज, ठीक है ये वाली चीज पहले निकाल लेते हैं, तो एक मिनट, अब ले लेते हैं हम फॉर्मूला, तो पहले हमको HA निकालना है, तो आप मेरे को बताया था मैंने कि हमको जो डाटा गिवन होगा उस हिसाब से आप वैल्यूज
ले सकते हो, है ना। तो देखो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे H1 और H2 तो नहीं दिया है, ठीक है। इसको आप A और B कर लो तो और सिंपल हो जाएगा, है ना। A और B कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन, वन और टू नहीं है, A और B है, ठीक है। इसीलिए तो चलो यहाँ पे डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई के एच ए का स्क्वायर माइनस एच डब्लू का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल एन आर ए अपॉन आर डब्लू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q कितना दिया है, Q मेरे पास है 0.01, ठीक है। नेक्स्ट पाई K कितना है 0.001, ठीक है। नेक्स्ट एच ए का स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू कितना है मेरे पास 10 का स्क्वायर अपॉन एल एन आर ए कितना है मेरे पास, आर ए है मेरे पास 25 डिवाइडेड बाय 0.,  आर डब्ल्यू कितना है, देखो आर डब्ल्यू है 15 सेंटीमीटर, है ना। आर डब्ल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो तो डाया था 30 सेंटीमीटर, आर डब्ल्यू है 0.15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.15 मीटर, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं और एच ए निकालते हैं, तो एच ए कितना आ रहा है चेक करो आप, 0.15, ठीक है। तो यहाँ से देखो एच ए क्या निकल के आ रहा है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले 0.01 इंटू एल एन क्या करना पड़ेगा 25 डिवाइडेड बाय 0.15, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हम करेंगे डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.001, ठीक है। इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब ये वहां पे जाके ऐड हो जाएगा तो प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे रूट ओवर आंसर, तो ये निकल के आ रहा है 10.7835, ठीक है, मीटर। तो एच ए आ गया आपका, अब एच बी निकालना है, एच बी निकालना है ना। तो एच बी कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं अगर डायरेक्ट ऐसा रिलेशन लिखूं एच ए स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू का स्क्वायर अपॉन एच बी स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल एन, है ना। ये देखो ये इसके कहाँ रहता है नीचे, तो जब सामने भेजूंगा तो यही यहाँ सामने आएगा, तो सेम इसी वाला आना चाहिए। तो ये इसके वाले के लिए कौन सा है हमारे पास, आर ए अपॉन आर डब्ल्यू अपॉन एल एन आर बी आर डब्ल्यू, ठीक है। बी का बी के सामने, ए का ए के सामने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो वैल्यू रखो सबकी, तो एच ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास 10.7825 का स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या रखूंगा मैं, एच बी नहीं पता मुझे, है ना, एच बी हमको नहीं पता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट सिर्फ एच बी, है ना, एच बी। ये एच डब्ल्यू तो पता है हमको, ये कितना है, ये है 10 का स्क्वायर, है ना, एच का एच बी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, यहाँ रख दूंगा वापस से 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या करोगे आप, इज इक्वल्स टू कितनी आ रही है वैल्यू, देखो यहाँ पे इज इक्वल्स टू एल एन 25 डिवाइडेड बाय 0.025, ठीक है, 0.25 है, जीरो सॉरी यहाँ पे लिख देंगे हम 0.015 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 40/0.15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम और निकालते हैं एच बी की वैल्यू, ठीक है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं रेशियो, ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है मुझे पहले। तो एल एन 25 डिवाइडेड बाय 0.15, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल एन 40 डिवाइडेड बाय 0.15, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास, चलो ये निकल के आ रहा है मेरे पास
0.91586 इसका, ठीक है देख लेते हैं एक बार। अच्छा नहीं एक मिनट, ठीक है सही आ रहा है, ठीक है चलो। तो ये तो आ गया आपके पास। नेक्स्ट हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे HB, इसका कर देते हैं पहले। तो देखो ऊपर वाले का क्या आ रहा है, ऊपर वाले का आ रहा है मेरे पास 10.79825 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये निकल के आ रहा है 16.25। डिवाइड कर दूंगा इससे, तो डिवाइड किया मैंने 0.91586 से, ठीक है ये निकल के आ रहा है 17.75 है ना। 17.75 प्लस कर दूंगा मैं, इधर आ गया प्लस कर दूंगा मैं 100, प्लस कर देंगे 100 और डिवाइड कर देंगे आंसर, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास HB निकल के आ रहा है 10.85156 मीटर, ठीक है आ गया हमारे पास HA और HB दोनों आ गया है। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, रेनॉल्ड नंबर, ठीक है तो वो भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट हमको निकालना है द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लो इफ द पंपिंग वेल एंड द ऑब्जर्वेशन वेल, दोनों पे निकालना है, ठीक है दोनों ऑब्जर्वेशन वेल पे भी निकालना है और पंपिंग वेल पे भी निकालना है। तो पहले आपको रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, है ना। इसको हम कर देते हैं ए पार्ट, है ना। अब ये हमारा नेक्स्ट हो जाएगा बी पार्ट। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रो वी डी अपॉन म्यू। अब म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी तो नहीं दिया, मुझे क्या मिली है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, न्यू इज इक्वल्स टू, है ना क्या लिख सकते हैं हम, म्यू बाई रो, ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे आर ई का फॉर्मूला एक और क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन न्यू, ठीक है। अब वेलोसिटी तो देखो सबके लिए अलग अलग हो जाएगी, है ना, वेलोसिटी तो सबके लिए थोड़ी सी अलग हो जाएगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो आर ई इज इक्वल्स टू डी, कितना है डी है मेरे पास 0.0025 डिवाइडेड बाय ये कितना है मेरे पास न्यू दिया है मेरे को कितना 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं न्यू को लिख सकता हूँ 0. या आप डायरेक्ट लिख देंगे इसको 10^-6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखो सेंटीमीटर में था, पहले से दो थे माइनस में इसके पास, 10^ में पहले से दो माइनस में थे, और 100 और 100 और 4 आ गए, तो ये कितना हो गया 6, ठीक है आ गया 10^-6 लिख देंगे नीचे 10^-6 और यहाँ पे V आ जाएगा, ठीक है। तो आर ई का जनरल क्या बन गया 2500 V। अब हम वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे निकाल लेंगे और उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आर ई आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन वेल वन ए, ठीक है फॉर वेल ए, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होता है डिस्चार्ज अपॉन एरिया, बोल सकता हूँ मैं ऐसा। डिस्चार्ज कितना है, देखो डिस्चार्ज कितना है, यहाँ पे डिस्चार्ज हमको दिया है 0.01, कितना दिया है 0.01 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एरिया क्या हो, कौन सा लोगे आप, एरिया क्या है, ये एक सिलेंडर है मैंने बताया था, तो एरिया कितना हो जाएगा 2πRH, है ना। आर कितना है, आर देखो ए पॉइंट का आर कितना है, रेडियस कितना है 25 मीटर, ठीक है। तो यहां लिख दूंगा मैं 25 इंटू ए का हाइट कितना था, ए की हाइट कितनी निकाली थी हमने, वो निकाली थी 10.7835, ठीक है 10.7835। तो यहां से वेलोसिटी निकाल लोगे आप, वेलोसिटी देखो कितनी आ रही है 0.01 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 इंटू पाई इंटू 7835 है, ठीक है 7835
तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 5.9536 है ना, कितना निकल के आ रहा है। इसको कर लोगे ठीक, ये कर दोगे 8 है ना, इसको कर देंगे हम 3.5, तो ये निकल के आ रहा है 5.5906 मीटर, सॉरी इनटू है ना, इतना कैसे आ जाएगा, इनटू 10^-6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आरई क्या आ जाएगा इसका, आरई अब मैं इससे 2500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका, है ना, वहां हमने जनरल इक्वेशन बनाई है, देखो 2500 वी आरई के लिए जनरल इक्वेशन बनाई थी 2500 वी, तो अब देखो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2500 से, तो ये निकल के आ रहा है 0.014 0.014 759, तो 76 ले लो। ठीक है, ये आ गया ए पॉइंट पे फॉर वेल बी, सेम वैसी फॉर वेल बी निकालोगे आप, तो वेल बी के लिए क्या हो जाएगा, देखो वेल बी के लिए क्या हो जाएगा, वेल बी के लिए हो जाएगा ये v इज इक्वल्स टू 0.01 अपॉन 2 पाई। ठीक है, पहले इंक कम आ रही थी, अब छटका तो इंक ज्यादा आ गई है ना, इंटू 40, अब इसका हेड कितना है बी का, देखो हमने यहां पे निकाला हेड कितना आया था 10.85156। ठीक है, 10.85156, ठीक है, तो देखो ये निकल के कितना आ रहा है, ये निकल के आएगा मेरे पास 0.01 अपॉन 2 × π × 40 × 10.85156, तो ये निकल के आ रहा है 3.6666 है ना, 3.6666, तो आप ले लोगे ये 67 × 10^-6, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, क्या आएगा इसमें, मीटर पर सेकेंड, तो आरई कितना आ जाएगा, 2500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2500 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 9.0, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये आ रहा है 9.166 × 10^-3, तो ये लिख लेते हैं 0.009166 आ रहा है, तो हम ले लेते हैं 7। ठीक है, दोनों आ गए रेनॉल्ड नंबर, अब हम निकाल लेते हैं तीसरा, फॉर ऑब्जर्वेशन वेल भी तो निकालना है हमको, है ना, तो फॉर ऑब्जर्वेशन वेल इसके लिए ज्यादा आएगा क्योंकि इसका RWR कम है, रेडियस कम है ना, रेडियस इसका बहुत कम है, तो वेलोसिटी देखो कितनी आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0.01/2π × R, कितना है इसका 0.15 है, देखो है ना, RW कितना है 0.15 मीटर है, इंटू क्या कर दूंगा मैं, इंटू कर दूंगा हाइट कितनी है इसके वेल में 10 है ना, चलो तो ये आ जाएगा 0.01/2 × π × 0.15 × 10, तो ये निकल के आ रहा है 1.061 × 10^-3, और जब मैं 2500 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये निकल के आ रहा है आपके पास, ये आ रहा था मेरे पास कितना आ रहा था, ये आ रहा था 1.061 × 10^-3, और सेम इसका रेनॉल्ड नंबर आ जाएगा जब आप इसको 2500 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका रेनॉल्ड नंबर आ जाएगा 2.65। ठीक है, कितना आ रहा है 2.65 2.6 2.6525 है ना, तो ये 3 ले लेते हैं। चलो आ गया हमारे पास, देखो तीनों चीज जो आपको पूछी थी, इसकी तीनों और इसकी दोनों, सिंपल था क्वेश्चन, अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा कन्फाइंड अनफाइंड फाइंड, कब कौन सा प्रॉब्लम यूज करना है, किस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।